हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो फोनिक्स ओएस का नया मोड आया है आरओजी करके, उसको मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ। ये अपडेट 7 है जो नया अभी लेटेस्ट आया हुआ है, तो उसी को मैं इंस्टॉल किया हुआ हूँ। तो आज इसका रिव्यू करने वाला हूँ और इसका वर्सेस करेंगे हम लोग के एपस्टर्गो ओएस से। मैं एपस्टर्गो ओएस का 1.0 लाइट वर्जन यूज कर चुका हूँ और 2.0 क्लासिक वर्जन भी यूज कर चुका हूँ, और फोनिक्स ओएस का जो ऑफिशियल वर्जन आता है उसको भी यूज किया हुआ हूँ। तो सभी के साथ कंपेयर करते हुए इसके बारे में रिव्यू करने वाला हूँ कि ये ओएस कैसा है और आपको इंस्टॉल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इसको मैं कल ही इंस्टॉल किया हुआ हूँ, तो इसी के बारे में आज पूरा वीडियो में देखेंगे। और गाइज, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करो यार, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपको देखने के लिए मिलेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये फोनिक्स ओएस का आरओजी में अपडेट 7 वाला जो वर्जन आया है, इसमें का मैं सबसे लो वाला वर्जन को डाउनलोड किया हुआ हूँ, जिसमें नो जीएप मिलता है, नो ब्लॉटवेयर मिलता है, मतलब कुछ भी नहीं रहेगा, एकदम खाली रहता है ऐसा टाइप का, जो एकदम लाइटनिंग स्पीड जिसमें मिल सकता है ना, उस वाला आरओजी वर्जन को मैं इंस्टॉल किया हुआ हूँ। तो इसमें ज़्यादा बताने के लिए कुछ है ही नहीं यार, क्योंकि ओएस पूरा के पूरा खाली है। और इसको मैं सीधा सीधा रिव्यू देता हूँ आपको कि आपको कब इसको इंस्टॉल करना चाहिए। अगर आपका लैपटॉप एकदम ही ज़्यादा लो एंड है ना, मतलब फोनिक्स ओएस का एपस्टर्गो ओएस भी आपके में लैग कर रहा था, एपस्टर्गो ओएस भी आपके में अच्छे से नहीं चल पा रहा था, तब तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन आपका लैपटॉप थोड़ा सा भी अच्छा है, जैसे कि मेरे में i5 प्रोसेसर है, 4GB का रैम है, तो मेरे को ये ओएस उतना पसंद नहीं आया। क्यों नहीं आया मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इसको मैं जब इंस्टॉल किया, ये पूरा के पूरा खाली रहता है। इसमें मैं सब को इंस्टॉल किया हुआ हूँ, सिर्फ 4 से 5 एप्लीकेशन रहता है, उसके बाद पूरा के पूरा खाली। यहाँ तक इसमें परफॉर्मेंस ट्विकर भी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं रहता, कुछ भी नहीं, मतलब एकदम स्पीड के चक्कर में इतना अच्छे से इसका बजाया गया है, मतलब पूरा के पूरा खाली हो ऐसे। तो एकदम लाइटनिंग स्पीड चाहिए आपको, एपस्टर्गो ओएस से भी ज़्यादा स्पीड मिलेगा इसमें आपको, और जितना भी वर्जन आया है फोनिक्स ओएस का मोड वर्जन, वो सबसे स्पीड आपको ज़्यादा मिलेगा। तो आपका लैपटॉप एकदम ही लो एंड है तब इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसमें कुछ कुछ मुझे प्रॉब्लम भी मिला है, उसको आप देख लेंगे, मैं सेकंड वीडियो उसके लिए बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, बहुत सारा प्रॉब्लम्स मिले हैं जिसकी वजह से इसको मैं अनइंस्टॉल करने वाला हूँ आज ही के आज। और इसमें जो आप सोच रहे होंगे, अगर आप ऑक्टोपस का जो की मैपिंग का प्रॉब्लम आता है यहाँ पर, तो वो सब प्रॉब्लम इसमें सॉल्व हो गया होगा, इस कारण से इसको डाउनलोड करना चाह रहे होंगे, तो मैं पहले ही बता देता हूँ, इसमें एम स्टक का प्रॉब्लम आ ही रहा है, जॉयस्टिक का प्रॉब्लम आ ही रहा है, तो वो सब कोई भी प्रॉब्लम इसमें ऑक्टोपस से सॉल्व नहीं किया गया है। बस आपको थोड़ा सा वर्जन चेंज मिलता है ऑक्टोपस का, और इसको मैं अनइंस्टॉल करके अभी मैं डार्क मैटर डाउनलोड करने वाला हूँ, डाउनलोडिंग पे लगा हुआ है मेरा डार्क मैटर, तो उसको इंस्टॉल करूँगा, तो उसका भी रिव्यू आप सभी को दूंगा। तो इसको क्यों अनइंस्टॉल कर रहा हूँ, इसके लिए मैं सेकंड वीडियो बना रहा हूँ, और एक बार इसको इंस्टॉल करने से पहले उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, उससे आपको इस ओएस के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप एकदम लो एंड पीसी पे गेम खेल रहे हैं जिसमें अच्छे से एपस्टर्गो ओएस नहीं चल रहा था, तब आप इसको आराम से डाउनलोड कर सकते हो और इसमें खेल सकते हो। थोड़ा बहुत इसमें बग है, तो वो सभी को मैं सेकंड वीडियो में कवर करने वाला हूँ, लेकिन आराम से इसमें गेम आप खेल सकते हैं, खेलने के लिए मिलता है गेम, चल रहा है फ्री फायर अच्छे से, मैं खेल करके देख चुका हूँ, सब चीज़ अच्छे से चल रहा है। तो इंस्टॉल करना चाहते हैं जो सेकंड वीडियो बनाया हूँ उसको जरूर देखिएगा, और ओएस तो बहुत अच्छा लगा है, सब चीज़ इंटरफेस इसका सेटिंग में दिखाता हूँ, सेटिंग का पूरा इंटरफेस इसमें चेंज कर दिया गया है, देख लीजिए पूरा पूरा इंटरफेस यहाँ पर चेंज नज़र आएगा, हर एक चीज़ का आइकॉन सब चीज़ चेंज किया गया है। यहाँ पर देख लीजिए वाईफाई सब चीज़ वर्क कर रहा है मेरे में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं था। यहाँ पर देख लीजिए ब्राइटनेस भी पूरा लो हाई सब वर्क कर रहे हैं, और यहाँ पर अवार्ड सेक्शन देख लीजिए, यहाँ पर बड़े बड़े शब्दों में पोस आरओजी लिखा हुआ है, फोनिक्स ओएस आरओजी, और ये सब देख सकते हैं इसका इन्फॉर्मेशन। 7.1.2 एंड्रॉयड वर्जन के साथ आता है ये, और इसमें का कर्नल वर्जन आप जैसे इसको स्टार्ट करते हैं, जब बूट करते रहेंगे उस समय चेंज भी कर सकते हैं, ये सभी फंक्शन दिया गया है। तो यही सब कुछ कुछ बातें हैं जो एपस्टर्गो ओएस से अलग है, लेकिन इसमें कुछ कुछ बग मिला है यार, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी हुआ है, जिसके कारण से मैं इसको अनइंस्टॉल करने वाला हूँ आज ही की आज। कल इसको एक प्रॉब्लम के कारण से अनइंस्टॉल किया था, उसके बाद फिर से मुझे इंस्टॉल करना पड़ा था, वो सभी बातें मैं सेकंड वीडियो पर कवर करूँगा। तो आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उस वीडियो को एक बार देखना जरूरी है, उसको एक बार जरूर देखिएगा। तो आई होप गाइस वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।